हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक। और ये मेरा आउटफिट है मेजेंटा कलर का। और अभी देखिएगा सियप्पा क्या क्या होगा। ब्रेसलेट है, इयररिंग्स है, तो मैंने सब चीज़ें निकाल ली थी। और मेरा मेकअप पाउच साथ ही साथ है। और यहाँ पे देखिए, ड्रेस पहनने के पहले ही मेरे साथ क्या सियप्पा हो गई कि चेन टूट गया मेरे कपड़े का। और अभिषेक यहाँ पे बनाने लगा, उसने बहुत कोशिश की इसको बनाने की, फाइनली वो सक्सेसफुल भी हो गया और मैंने ये ड्रेस पहन भी लिया। अब मैं मिलती हूँ आपसे पहनने के बाद। हाय करो तुम। Hi. तो तुम लोग कहाँ जा रहा है? रिसॉर्ट। यस, कहाँ जा रहे हो? रिसॉर्ट। वेरी गुड। शौर भी जा रहा है। शौर मास्क हटा दो। शौर रो रहा था अभी कि मेरा शूट नहीं हुआ, उस समय बहुत शौर रेडी नहीं हुआ था। छुटकी बोबो, देखिए बोबो, बोबो मास्क हटाओ बेटा। बोबो तुम ऑन इन कर लिया बेटा, इधर देखे। ओके, सो हम लोग फैन चला लिए, हम लोग कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग सब रेडी हैं, गाड़ी निकलेगी और हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना? तो वहां मस्ती करेंगे। हाय कीजिए मम्मी। हाय हाय। और इधर कौन है? पापा, बोबो और गुलटिस। देखिए हमारे रास्ते का व्यू बहुत खूबसूरत था, बारिश हो रही थी और साथ ही साथ हमारे गाड़ी में गाने बज रहे थे और व्यू तो बहुत ही खूबसूरत था। और ये कोई तो प्लांट था यहाँ पे, वो होता है ना प्लेट वाला, प्लेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो प्लेट वाला कौन सा प्लांट था मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा था, रोड काफ़ी अच्छे थे। और ये फुल देवघर से हम लोग जहाँ जा रहे थे वो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन मैं बता रही हूँ सच में व्यू बहुत अच्छा था, रास्ते बहुत इंजॉय किया हमने। मैं थोड़ी थकी भी थी लेकिन हमने इंजॉयमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। देखो रास्ते कितने अच्छे हैं, व्यू कितना खूबसूरत है, पहाड़ दिख रहे थे, रोड अच्छे थे। अब इससे अच्छा आपको रास्ते में क्या चाहिए? और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ व्यू। और हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट। और यहाँ बच्चे जैसे ही पहुंचे वहां पे ना, यहाँ पे बस बच्चे खेलना स्टार्ट कर दिए और पसीने पसीने हो गए थे खेलने हुए। और सब बच्चों को हम लोग मास्क निकलवा रहे थे, एक तो रनिंग कर रहे थे ऊपर से मास्क लगाया था, अब ये दौड़ रहे हैं स्विमिंग पूल देखने के लिए। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं स्विमिंग पूल के लिए, लेकिन स्विमिंग पूल ऑपरेशन में नहीं था, चल नहीं रहा था, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है लॉकडाउन के कारण सारी चीज़ें बंद है, इसलिए स्विमिंग पूल अभी काम नहीं, स्विमिंग पूल में पानी नहीं था। और बच्चे फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो खेलेंगे, स्विमिंग पूल देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो बस यहाँ पे गुलटिस, बर्थडे बॉय और ये बच्चों की मम्मा उन लोगों को बताते हुए क्या करो क्या ना करो बस। और यहाँ पे शैली, गुलटिस, शौर, बोबो और डुगू, सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। और हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आउटिंग करके बहुत इंजॉयमेंट फील हुआ, वेदर बहुत अच्छा था। और बस यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भाभी हैं बड़ी वाली और मम्मी, मम्मी प्लांट देख के बोल रही है कितना खूबसूरत है सब कुछ। मम्मी को, मम्मी ने भी बहुत इंजॉय किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और ये और ये देखिए मेरा आउटफिट, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगा ही नहीं था मैं ये आउटफिट पहन पाऊँगी इतना सियप्पा होने के बाद। और हम लोग यहाँ पे पिक क्लिक कर रहे थे मैं और भाभी मिलके, और मुझे ये आउटफिट बहुत पसंद आया। इसमें ये मतलब ये आउटफिट बना भी था तो अभिषेक ने बहुत मेहनत किया था, हाफ एन आवर लगे थे, मैंने कपड़े भी पहन लिया था, मैंने चेंज किया था, मुझे नहीं लगा था मैं पहन पाऊँगी, लेकिन फाइनली वो ड्रेस रेडी हो गई। और यहाँ पे बच्चे फिर से यहाँ पे खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे पिक्स क्लिक करवा रहे थे। रिजॉर्ट जाओ, घूमने जाओ, पिक्स ना क्लिक कराओ तो क्या हो सकता है, उससे बेहतर हम लोग जाते ही है घूमने से पिक्स क्लिक करने के लिए, हमें तो ऐसा ही फील होता है। और बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत टाइम, वेदर सब कुछ अच्छा था ना, तो और भी आपको चार चांद लग जाते। और मम्मी, हम लोग सब लोग बहुत, मतलब लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग आउटिंग पे निकले थे आफ्टर सो लॉन्ग, तो इसलिए हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सब मम्मी कुछ कुछ बोल रही थी।
और यहाँ पे हमारा आ गया था वेलकम ड्रिंक। तो बहुत अच्छा लगा वेलकम ड्रिंक पी के, हमें बहुत सारी मेमोरीज हमारी क्रिएट हो गई। हम लोग बहुत पीते थे ऐसा ये वेलकम ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक में जलजीरा डाल के, तो इन लोगों ने वही सर्व किया था, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो 2 ग्लास पिया था, बहुत ही ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लग रहा था। और सब इधर उधर घूम रहे थे, आप देख ही सकते हैं, कोई एक जगह आपको नहीं मिलेगा। और हम लोग यहाँ पे निकल गए थे स्विमिंग पूल के साइड में, तो हम लोग बोले चलो एक राउंड हम लोग स्विमिंग पूल के साइड में घूम के आते हैं। और जो जो ये हट जैसे बने थे हम वो भी घूम रहे थे, और जो भी थी हम ऐसे ही घूम रहे थे, एक जगह बैठ के करते भी तो क्या करते, इसलिए। और यहाँ पे देखो फाउंटेन भी स्टार्ट हो गया, जैसे हम इधर आए थे फाउंटेन स्टार्ट हो गया। तो फाउंटेन जब चलने लगा ना, तो उसके जो फुहारे आ रहे थे ना जो, तो ठंडी ठंडी सी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल के साइड में, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे। स्पेस जब आपको मिल जाता है ना, तो आप ऐसे ही घूमना पसंद करते हो। और आप देख ही सकते हैं बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ग्रीनरी भी थी साथ साथ, बारिश का मौसम भी था, तो और क्या चाहिए। और यहाँ पे देखिए प्लांट्स वगैरह भी थोड़ा मेंटेन, अभी बहुत वैसे मेंटेन तो है ये रिजॉर्ट, ऐसा नहीं है मेंटेन नहीं है, लेकिन स्विमिंग पूल अभी नहीं था स्टार्ट, स्विमिंग पूल अभी स्टार्ट नहीं था। और साथ ही साथ बगल में दो से तीन वॉशरूम थे, जो स्विमिंग के साथ, स्विमिंग पूल के साथ साथ जो दिए जाते हैं। और यहाँ पे भाभी पिक्स क्लिक करवा रही है, हम लोग सब पिक्स भी क्लिक कर रहे थे, घूम भी रहे थे। और बच्चे तो ऐसा लगता स्विमिंग पूल में ही चले जाएंगे। और ये गुलटिस बर्थडे बॉय, उसकी मम्मी बोली थी उसको फुल फुटेज दो तुम आज के वीडियोज में, तो हम लोग इसलिए हंस रहे थे कि माँ इसको फुल फुटेज दिला के ही आज रहेगी। और देखो ये बोबो और शौर्य किधर चले गए, छुटकी भी जा रही है, मतलब ये लोग को लगा घुस जाएंगे। और मम्मी यहाँ बोली नहीं नहीं चलो सबके साथ हम लोग पिक्स क्लिक करवाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, हम लोग सब एक दूसरे के मजाक भी उड़ा रहे थे। और एक जब आप एक साथ रहते हो तो करते क्या हो, एक दूसरे का मजाक ही तो उड़ाते हो ज़्यादा, आधा से ज़्यादा टाइम। तो बस यही देखो फाउंटेन वगैरह यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे थे कि अब हम लोग स्टार्टर में ऑर्डर क्या करें, तो बस हम लोग वही अपना प्लान मेन्यू वगैरह दे रहे थे कि हमें क्या क्या खाना है, बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम क्या खाना चाहते हो बताओ, उनके हिसाब से ऑर्डर करेंगे। और यहाँ पे हमने मिक्स वेज चाउमीन, चिकन चिल्ली एंड पनीर चिल्ली हमने ऑर्डर किया था। तो चिकन चिल्ली और मिक्स वेज, मिक्स चाउमीन और पनीर चिल्ली, क्योंकि मम्मी आज के दिन संडे के दिन मम्मी नॉनवेज नहीं खाती है, तो मम्मी सिर्फ प्योर वेजिटेरियन थी और हम लोग सब हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थे। तो मम्मी के लिए पनीर ऑर्डर हुआ था और हम सब के लिए चिकन चिल्ली एंड मिक्स वेज चाउमीन। मिक्स वेज चाउमीन बहुत यम्मी था, चिकन चिल्ली भी बहुत यम्मी था। और बस हम लोग सब बैठ के खा रहे थे, हमें लगा कि नहीं स्टार्टर हम लोग कर लेते उसके बाद हम लोग केक वगैरह कट करेंगे, पेट पूजा पहले होनी चाहिए। तो ये देखिए ग्लिम्स हमारे चाउमीन के, और ये पनीर चिल्ली है, तो पनीर चिल्ली भी बहुत यम्मी था, हमने एक एक बाइट लिया था। और ये हम लोग आ गए यहाँ पे, जो हमने ये रूम जो ये डेकोरेट कर रहे थे बर्थडे के लिए, हम लोग वहाँ पे आ गए, तो यहाँ बलून्स वगैरह फुलाए जा रहे थे, ये डेकोरेट कर रहे थे। और मैंने यहाँ पे साइलेंट इसलिए कर दिया है क्योंकि रूम काफ़ी इको हो रहा था, तो मैंने इसलिए मैंने साइलेंट कर दिया। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हम लोग बस ऐसे चेक करने आए थे, और मैं यहाँ पे कुछ कुछ बोल रही हूँ आप देख भी सकते हैं, लेकिन क्या होता है आवाज़ इतना इको हो गया था कि मुझे साइलेंट ही करना पड़ा था। और डेकोरेशन हो रहा है और हम लोग बोल रहे थे कि ये दिखा दो वो दिखा दो कैसा डेकोरेशन हो रहा है, उनसे जितनी हो सके उन्होंने बहुत अच्छे से करके दिया। सबसे अच्छी बात हम लेडीज़ लोग ना काफ़ी आराम किए, क्योंकि मेनली कैसा होता है लेडीज़ लोग को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, कुकिंग करो, गेस्ट को होस्ट करो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम फुल इन्जॉय कर रहे थे अपनी होस्टिंग। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट होता है जब आप कहीं बाहर आउटिंग पे अब कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करते हो, तो ये बहुत बेस्ट मोमेंट होता है। और हमने केक वगैरह सब ला करके इनको दे दिया था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की थी। और ये देखिए स्पाइडर मैन का केक बन के रेडी है, और अभी बोबो का मुंह एकदम फुल चुका है क्योंकि उसको चोट लग गई थी, वो दो दो बार गिर चुका था, तो इसलिए वो थोड़ा सा उदास था। और यहाँ पे सब बच्चे कैप पहन के रेडी हैं अपना केक कट करने के लिए। और यहाँ पे स्पाइडरमैन इसलिए बना था क्योंकि गुलटिस को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, और तो इसलिए स्पाइडरमैन यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि स्पाइडरमैन का केक बनेगा। और सारे बच्चे कैप पहन के रेडी हैं केक कट करने के लिए, और यहाँ भाभी पापा मम्मी सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ उसका ऑफिशियल नेम सक्षम है, इसलिए केक पे हम लोगों ने सक्षम नेम लिखवाया था। और स्पाइडरमैन की आइज़ और 8 ईयर्स उसने कंप्लीट किया था, इसलिए 8 ईयर्स का हमने कैंडल्स भी साथ ही साथ लगा के रखा था। और उन्होंने देखिए ना फ्लावर से कितना अच्छा सुनो जिस डेकोरेट करके हमें ट्रे दिया है, तो काफ़ी अच्छा। बोबो काफ़ी उदास था, चोट लगी थी तो वो थोड़ा गुस्से में भी था, तो हम लोग काफ़ी उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो अंधेरे में ऐसा दौड़ा ना कि उसको एक लोहे के रॉड से ना उसको फेस पर चोट लग गई।
बस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं माचिस का। माचिस आएगा तो हम कैंडल जलाएंगे और हम लोग केक कट करेंगे। और देखो उसने टी शर्ट भी बच्चे ने ना स्पाइडरमैन टाइप का ही पहना है। और देखो मैं यहाँ बोबो के ये चिक्स को मैं पुल कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ खुश हो जा, स्माइल करो, अब तो केक कट होने वाला, अब तो इतना उदास मत रहो, क्योंकि बच्चों के लिए बेस्ट मोमेंट होता है केक कट करने का। और एक मेन मोमेंट पे जब चोट लग जाए तो आप बताओ कितना बड़ा सिरप्पा हो जाएगा उसके लिए। और यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जल गए हैं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब केक कट करने के लिए। लेकिन एसी चल रहा था ना तो बार बार कैंडल्स बुझ जा रही थी, तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि एसी ही बंद कर दो, नहीं तो कैंडल ही नहीं जल पाएगा। तो देखो यहाँ पे फिर से बुझ गया। हम चलो और यहाँ पे सब परेशान हो गए थे कि बाबा के मुंह में कैंडल खिलाया गुलटीस ने कि केक खिलाया, सब परेशान हो गए। बहुत देर तक कैंडल ढूंढा गया उसके हाथ में कि भैया कैंडल मुंह में गया है कि कैंडल हाथ में आया। और मैं एडिट कर रही थी तो मैं बहुत हंसी इस चीज़ पे। और यहाँ देखो देखो मेरा बेटा कैसे केक निकाल के सबसे पहले मुंह में डाल दिया। मतलब बच्चे ना कितना भी केक खाए कुछ भी करे, लेकिन भाई केक तो ऐसे ही खाने में मजा है। और यहाँ पे सबको गुलटीस वन बाई वन सबको खिला रहा है, सबको मतलब एक मतलब किसी को उसने छोड़ा नहीं, सबको मस्ती में फुल खिलाया उसने, वो बहुत बहुत खुश था। और यहाँ पे देखो ये बच्चे मुंह देख रहे हैं कि हमें कब खिलाओगे। अब शाली ने निकाला उसमें से, अब बस अब बच्चे अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे गुलटीस को खिला रही थी और मैंने थोड़ा सा उसके फेस पे लगाया, बच्चों को लगाने में भी डर लगता है कहीं रोने उने ना लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लगाया। तो मैंने बोला कि अब तुम खा लो पूरा और अब मैं केक कट करूँगी और मैं सबको दूंगी। और फिर हम लोग एक और ड्रिंक फिर उन्होंने लेके आके हमें दे दिया पीने के लिए। और हम लोग यहाँ पे एक फिर से एक ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कितनी बार बोलूँ आप सुन सुन के थक जाएंगे। और यहाँ बच्चे और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे डिनर ड्रिंक पीने के बाद। और डिनर में हमने जो जो हमें ऑर्डर करना था किया, यहाँ चिकन वगैरह बटर चिकन बच्चों के लिए कुछ किया था ऑर्डर, रोटी थी और लच्छा पराठा वगैरह था, पनीर था, जो जिसको जो खाना था उस हिसाब से हमने ऑर्डर किया हुआ था। और इसके बाद हम लोग निकल गए डिनर करने के बाद, और ये फ्राइड राइस था। डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, बहुत फुल इंजॉय किया यहाँ पे। रात में 10 और 10:30 को हम निकल गए, तो हम ये देखिए हम निकल भी रहे हैं, बलून बच्चों ने अपने हाथ में पकड़ लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।